खुशी इस बात की है कि ये आदाब कि ये रवायत बड़ी खूबसूरत अकेला ने शुरू की है, ताकि उन शायरों को जिनके पीछे कोई काम करने वाला नहीं था, या जिन लोगों ने निगलेक्ट किया, या जिन लोगों का काम या राइटर्स एसोसिएशन ये काम करती या कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम करती, उन शायरों के कलाम को उन्होंने समझाने संभालने का एक सिलसिला शुरू किया है। वरना फिल्मों में लिखा हुआ कलाम या फिल्मों में लिखी हुई शायरी को ऐसा ही ग्रेड दिया जाता था जैसे ये किताबों के काबिल नहीं, ये तो सिर्फ फिल्मों में है, बाकी आपकी शायरी कहाँ है, ये हमेशा शायरों से पूछा जाता था। ये एक बड़ा खूबसूरत कदम अकेला ने उठाया है कि इससे वो शायरी जिसमें जो वाकई बड़ी अच्छी शायरी जो कहीं गर्द के नीचे दब जाती या रह जाती, वो एक सिलसिला शुरू हुआ है और उसका आगाज़ उन्होंने जानेसर अख्तर से किया है और बख्शी साहब से किया है और दूसरे शौरा जैसे उन्होंने नाम भी लिया राजेंद्र कृष्ण नाम लिया है और बहुत से शायर हैं, तो ताकि उनका कलाम संभाला जा सके।